सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे प्राणिनः पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। देखिए ये बहेड़ा है, देखें आप, जिसका कफ तमाम प्रकार के कफ सूधी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी देखें आप, ये छोटी पीपर है, दिखाई पड़ रही है तो इस तरीके से, देखिए छोटी पीपर होती है। ये चिरैता है, चिरैता की आप पहचान करें, देखिए लकड़ी की तरह होती है, एकदम कफ शोधक है, भयंकर कफ शोधक है और बुखार में काम आती है, जो हड्डियों में बुखार घुस जाता है। और ये चिरैता भी देखिए हड्डियों में बुखार जो घुस जाता है उसके लिए काम आता है। ये त्रिफला के काम आएगा। आप देखिए ये बहेड़ा है, हरड़े है छोटी, देखिए छोटी काली हरड़े इस तरीके से होती है मित्र। और ये बहेड़ा है, इसको कूट के सुखा रहे हैं ताकि चूर्ण आसानी से बने इसका। तो गेंदे का फूल है, ये आंवला देखें, आंवला सूख चुका है और इसका जो है त्रिफला चूर्ण बनेगा। और देखिए तमाम औषधियाँ हैं, जैसे आपको पहचान कराता हूँ। देखिए ये सहजन की पत्ती है, ये सूख चुकी है, अर्थराइटिस के तमाम रोगों में इसका बहुत बेहतरीन उपयोग। अभी देखिए ये चाय में डाल लेंगे हम। ये पपीते की पत्तियाँ हैं, ये गेंदे की पत्तियाँ हैं, देखिए गेंदे के बीज और उनकी पत्तियाँ हैं सुखा के। ये फलियाँ हैं, किसकी, बबूल की, बेहतरीन उसमें काम आती है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आप चलो बैठो। और ये देखिए ये जो है भृंगराज की सूखी पत्तियां हैं, देखिए सूख चुकी हैं, बालों संबंधी तमाम उपचारों में काम आती हैं। ये केले की देखें सूखी पत्तियां हैं, कफ के भयंकर रोगों में काम आती हैं। और ये देखें गेंदे की, गुलाब की सूखी पत्तियां हैं मित्रों, चाय बनाने में काम आएंगी और धूप बत्ती बनाने में। और देखिए गेंदे का जो है पुष्प है, उसकी पत्तियां हैं और उसके जो है पुष्प की सूखी हुई इस तरह से इकट्ठा किया हुआ है उसकी। और ये देखिए मित्रों, ये जामुन की गुठली है, सोंठ को सुखा रहे हैं। तो देखिए मरुआ तुलसी है, ये देखिए चाय के लिए हमने दिव्य चाय बनाने के लिए चीज़ों को डाल रखा है। इसमें आप देखेंगे मित्रों, ये गिलोय के पत्ते हैं, ये तुलसी मंजरी हैं, ये बेल हैं, इसमें आपको पान मिलेगा, लौंग मिलेगा और पुदीना मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारी औषधियां हैं इसमें, जो दिव्य चाय बनाने के लिए इसका उपयोग करेंगे हम। और ये देखें महुआ है मित्रों, महुआ आप पहचान रहे होंगे, स्नायु के बहुत सारे रोगों में काम आता है। ये देखिए मरुआ तुलसी है, धूप बनाने में बहुत बेहतरीन खुशबू है इसकी मित्रों, बहुत बेहतरीन। और ये देखिए अदरक को सुखा के सोंठ बना लिया। ये जामुन की फलियां हैं, डायबिटीज, अर्थराइटिस, बीपी के रोगों में बहुत बेहतरीन काम आती है। ये देखें मित्रों, इसमें ये अमरूद की पत्तियां हैं, ये पुनर्नवा की पत्तियां हैं, चाय के लिए काम आएंगी। अपामार की पत्तियां हैं, देखिए आम की पत्तियां हैं, इसमें ये जामुन की पत्तियां हैं मित्रों, देखो सूख रही हैं, सब चाय बनाने और धूप बनाने के काम में आएंगे, बेहतरीन अद्भुत चाय बनेगी। तो ये कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनकी आपको हमने पहचान कराई है, और इनके अलग अलग उपयोग क्या है उसके बारे में आपको हम दूसरी वीडियो में अवगत करेंगे। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।